तो यार गाइस कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का GTA 5 की एक और ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो के अंदर। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि यार अभी ना हमने कुछ दिनों पहले बैंक में रॉबरीज की थी, क्योंकि हमें यार एक 100 मिलियन डॉलर का मैंशन खरीदना था, क्योंकि उसी मैंशन के थ्रू हम प्रेसिडेंट को मारकर माइकल या फिर माइकल के फ्रेंड हथौड़ा त्यागी को प्रेसिडेंट बना सकते थे। तो फिर यार हमने बैंक में बहुत सारी रॉबरीज की और फाइनली अब हमारे पास हो चुके थे 100 मिलियन डॉलर्स, जो कि यार हमने इस फॉर्चुनर की डिग्गी के अंदर रखवा दी है। और आज हमारा जो सबसे पहला काम है वो है प्रेसिडेंट को मारकर माइकल को प्रेसिडेंट बनवाना। बट मैंने जब माइकल से बात की तो यार माइकल ने मना कर दिया, और माइकल कह रहा है कि मेरे को प्रेसिडेंट बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर हमने डिसाइड कर लिया कि हथौड़ा त्यागी यानी कि माइकल का फ्रेंड बनेगा प्रेसिडेंट। तो अभी जो प्लान है वो बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड है। अभी ना यार मैं पहनने वाला हूँ स्पेशल ऑप्स के कपड़े, जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। और क्योंकि हमारा जो मेंशन है वो प्रेसिडेंट की स्पीच के काफी ज्यादा पास में है, तो मैं यार उन्हीं लोगों के साथ ना घुल मिल जाऊंगा, और फिर जो मेरा फ्रेंड होगा हथौड़ा त्यागी वो बनेगा प्रेसिडेंट, क्योंकि यार मैं उनके अंदर जाकर और प्रेसिडेंट को मार दूंगा और किसी को मेरे पे शक भी नहीं होने वाला। तो अभी जो ब्लैक फॉर्च्यूनर है ना, इसके अंदर मैंने सारा कैश रखवा दिया है। बट इससे पहले कि मैं मेंशन लूं, मैं नहीं चाहता कि जिस बंदे से मैं मेंशन लेने वाला हूं उसको पता चल जाए कि यार मैंने स्पेशल ऑप्स के कपड़े पहने हैं और वो ना मेरे को घर देने से मना कर दी। तो मेरे को ना फ्रैंकलिन को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा, ताकि ये जो घर की डील है फ्रैंकलिन पूरा करे और मैं ना आराम से स्पेशल ऑप्स के साथ जाके खड़ा हो जाऊं और किसी को मेरे पे कुछ भी शक ना हो। तो अभी ना मैं फ्रैंकलिन को कॉल कर लेता हूँ, उसको अपने साथ लेकर चलूंगा इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। और आज यार फाइनली मैं ना माइकल को प्रेजेंट बना के रहूंगा, माइकल से मेरा मतलब माइकल के दोस्त हथौड़ा त्यागी को। तो यार बहुत दिनों से जो हमने प्लानिंग करके रखी थी वो आज फाइनली पूरा होने वाला है। तो अभी फ्रैंकलिन की मेरे को लोकेशन मिल चुकी है, तो पहले ना फ्रैंकलिन को उसके घर से जाकर उठा लेते हैं और इसके बाद चलेंगे हम प्रेसिडेंट की जहाँ पे स्पीच होने वाली है वहां पर। क्योंकि यार प्रेसिडेंट को मारने से पहले वो जो मेंशन है उसे खरीदना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो मेंशन हमें मिल जाता है तो प्रेसिडेंट को मारना यार बहुत ही ईजी होने वाला है। तो इसके लिए वो जो घर है उसके लिए मैंने 100 मिलियन डॉलर्स जमा कर लिए है, और अब वो जो मेंशन है किसी भी हालत में चाहिए। मैंने यार उस बंदे को ना बोला था कि तू किसी को भी यार कार सेल मत करियो, क्योंकि ये जो मेंशन है मेरे को चाहिए, क्योंकि यार ये मेरी वाइफ का फेवरेट मेंशन है। ऐसा मैंने उसे झूठ बोल दिया ताकि यार वो किसी भी हालत में इस मेंशन को सेल आउट ना करे। तो अब उस बंदे ने मेरे को यार प्रॉमिस किया था कि वो ये मेंशन किसी को भी नहीं देगा और सिर्फ मेरे को ही सेल करेगा। तो बस यार उस बंदे ने बस उस प्रॉपर्टी को कुछ भी सेल नहीं किया हो, क्योंकि यार वो बंदा कह रहा था कि उसको भी पैसों की बहुत अर्जेंट नीड है, इसीलिए वो इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 100 मिलियंस का मैं जुगाड़ करता हूँ, तब तक तो इस प्रॉपर्टी को संभाल के रख। तो अभी ये जो ब्लैक फॉर्च्यूनर है इसके अंदर हमने पूरा का पूरा कैश रख दिया है, जो कि हम उस बंदे को देने वाले हैं। बट फ्रैंकलिन को मेरे को पहले उठाना था, तो सीधा मैं फ्रैंकलिन के पास आ चुका हूँ और अभी ना उसके घर से उसे उठाकर सीधा हम जाने वाले उस मेंशन को खरीदने के लिए। तो यार अभी ना मैं फ्रैंकलिन के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ, और जल्दी से पहले फ्रैंकलिन को उठाते हैं और चलते हैं फिर अपना जो मेंशन है उसे खरीदने के लिए। अब वैसे तो यार वो मेंशन काफी ज्यादा अच्छा है, बट क्योंकि मैं उसमें मिशन कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि यार उस मेंशन में मेरे को मिशन करके ना उस मेंशन को फिर किसी और को सेल आउट करना पड़ेगा, वरना यार हो सकता है कि प्रेसिडेंट की जो सिक्योरिटी उनको शक हो जाए मेरे पे। तो यार अभी ना हमने फ्रैंकलिन को भी उसके घर से उठा लिया है, और अब हमें जाना है कुछ इस वाली लोकेशन पे जहाँ पे कि प्रेसिडेंट की स्पीच है और हमारा वो जो मेंशन है वो भी यहीं पर है। तो बस यार सीन ना पूरा सॉर्टेड है, अब बस हमें प्रेसिडेंट को मार के और जो मेरा फ्रेंड हथौड़ा त्यागी है उसको प्रेसिडेंट बनाना है। बट यार देखो मेरे को पता है कि सीन ना काफी ज्यादा गलत भी हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ये जो कार है फॉर्च्यूनर उस पर ना डुगन बॉस का नाम लिखवा दिया है, और इस कार को मैं वहां पे खड़ा कर दूंगा ताकि पुलिस वालों को लगे कि ये जो काम है वो डुगन बॉस ने करवाया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यार डुगन बॉस को तो हमने किडनैप कर रखा है, तो पुलिस वालों को यार ये लगेगा कि डुगन बॉस ने ना प्रेसिडेंट को मारकर और गायब हो चुका है। तो सीन ना काफी ज्यादा सॉर्टेड रहेगा और सारा शक जाएगा डुगन बॉस पे, और फिर यार जो डुगन बॉस है वो हमसे भागकर कहीं जाने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है अगर वो बाहर निकला तो पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही वो पुलिस वाले को मिलेगा तो पुलिस वाले उसे मार देंगे। तो उसे यार मजबूरी में हमारे साथ रहना पड़ेगा और जो भी हम उसे बोलेंगे वो करना पड़ेगा। और सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो ये होगा कि डुगन बॉस के सारे बिजनेस को ले लेंगे, और फिर यार मैं सोच रहा हूँ कि डुगन बॉस को मार करना पुलिस वालों के हवाले कर देंगे और बोलेंगे कि यार हमने डुगन बॉस को पकड़ लिया है, जिससे कि जो पुलिस वाले होंगे वो भी हम पे ट्रस्ट कर लेंगे। और माइकल का फ्रेंड जो है हथौड़ा त्यागी उसका प्रेसिडेंट बनना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यार बिना प्रेसिडेंट के लॉस सैंटोस को रन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा। तो कोई ना कोई प्रेसिडेंट तो चाहिए होगा, और उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा हमारा फ्रेंड हथौड़ा त्यागी। गाइस यार फाइनली ना हम उस मेंशन के बाहर आ चुके हैं जिसको कि यार फ्रैंकलिन को खरीदना है। तो फ्रैंकलिन को यार फटाफट से मैं अंदर भेज देता हूँ और समझा देता हूँ कि उसे क्या बात करनी है। तो अभी यार मैंने फ्रैंकलिन से बात करता हूँ और फ्रैंकलिन को फटाफट से अंदर भेजता हूँ।
ओके तो यार गाइस अभी माइकल भाई ने मेरे को कहा है कि मेरे को ये मेंशन खरीदना है, तो मैंने यार जो सारे पैसे थे ना माइकल भाई को बोला कि आप इसको गाड़ी की डिग्गी में ही रहने दो और मैं यार अपने अकाउंट से ही पैसे दे दूंगा, क्योंकि आपको पता है बैंक रॉबरी के बाद मैंने एक रुपया भी खर्च नहीं किया था, तो मेरे पास 100 मिलियन डॉलर्स है और मैंने ये बात माइकल भाई को नहीं बताई, वरना वो सारे पैसे मेरे को बोलते और मेरे को फिर अपने पैसे खर्च करने पड़ते। रहा वो बंदा जिससे कि मेरे को ये घर परचेज करना है, तो यहाँ पे मैं इससे बात कर लेता हूँ और इसके अकाउंट में यार वो पैसे भी ना ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ओके यार गाइस अभी ना मैं सारे पैसे इसको ट्रांसफर कर चुका हूँ, बट ये बंदा कह रहा है कि यार 100 मिलियन डॉलर्स इस घर की कीमत है, बट ऊपर से इसको थोड़ा बहुत और खर्चा पानी चाहिए। तो मैं कहता हूँ ले भाई तेरे को खर्चा पानी देता हूँ और इस बंदे को ना यहीं पे मार मार के इसका भूत बना देता हूँ। अब यार ये माइकल भाई को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने इस बंदे को मार दिया है, तो चुपचाप से बाहर चलते हैं और माइकल भाई को ना अंदर बुला लेते हैं। तो ये रे अपने माइकल भाई फटाफट से इनसे बात करते हैं और बोलते हैं कि हमने इस मेंशन को खरीद लिया है, तो चलो यार फिर माइकल भाई से बात करते हैं। तो ओके यार गाइस अभी यार फाइनली जो अपना दोस्त है फ्रैंकलिन, उसने यार इस मेंशन को खरीद लिया है और इसने मेरे को कहा है कि यार सीन थोड़े से गलत हो गए और वो जो बंदा था वो खुशी के मारे बेहोश हो गया जब उसे 100 मिलियन डॉलर्स मिले। तो मेरे को इसकी बात समझ में नहीं आई कि यार उस बंदे के पास इतना तगड़ा मेंशन है और उसने मेरे से 100 मिलियन डॉलर्स मांगे, बट जब इसने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे तो खुशी के मारे बेहोश हो गया। ये बात मेरे को यार कुछ समझ नहीं आ रही कि भाई ये बंदा इतने सारे पैसे देखकर बेहोश कैसे हो गया, और भाई फ्रैंकलिन शायद सच ही कह रहा था ये बंदा यहाँ पे बेहोश पड़ा है। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, वैसे भी हमें ये सब मेंशन से जो काम है वो पहले निपटा लेते हैं। तो फ्रैंकलिन को मैंने अभी गेट पे खड़ा कर दिया ताकि वो निगरानी रखे और अब मैं यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसको शूट आउट करने वाला हूँ और देखते हैं कि भाई क्या सीन होता है। तो सबसे पहले तो यार मैं अपनी स्नाइपर निकाल के एक बार जूम इन करके देख लेता हूँ कि क्या यहाँ पे हमें प्रेसिडेंट का एंगल मिल रहा है या नहीं। तो सामने आपको देखने को मिलेगी कि प्रेसिडेंट की स्पीच हो रही है और वो रहा प्रेसिडेंट, तो यही समय ने उसे एक हेडशॉट देना है, बट उससे पहले एक बार सिक्योरिटी चेक कर लेते हैं कि कोई आसपास है या नहीं। ओके तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स है जिनको कि मेरे को मारना पड़ेगा, बट वेट अ सेकंड गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले ना प्रेसिडेंट अलर्ट हो जाए, इससे पहले मैं प्रेसिडेंट को उड़ा देता हूँ। तो ये रहा यार प्रेसिडेंट जो कि अपनी स्पीच दे रहा है, तो इसको यहाँ पे एक पट से हेडशॉट देते हैं और अब ने यार यहाँ पे पुलिस अलर्ट हो चुकी है। तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा, फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा गाइस। प्रेसिडेंट को मारने के बाद मैं डुगन बॉस वाली नाम की कार से ना यहाँ पे एग्जिट कर ही रहा था कि तभी यार यहाँ पे ना मैं बहुत देर तक गाड़ी को भगाता हूँ और पुलिस की सिक्योरिटी के बीच से ना निकल जाता हूँ। अब यार इस कार पे तो डुगन बॉस का नाम लिखा हुआ था, बट अगर पुलिस वालों ने मेरे को इस कार में पकड़ लिया तो सीन यार बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले मेरे को पकड़ लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि यार मैंने ये कांड किया है, तो अब यार यहाँ पे ना दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मेरे को ये जो डुगन बॉस वाली कार है ना इसको भगाते हुए कहीं पे दूर निकलना पड़ेगा और फिर मैं इस कार को छोड़ दूंगा और डुगन बॉस पे सारा नाम आ जाएगा। तो फिलहाल मेरे को ना पुलिस वालों से बस से बचाते हुए यहाँ से निकलना है और कोशिश करनी है कि यार पुलिस वाले मेरे को ना पकड़े इस कार के अंदर, वरना डुगन बॉस को तो नहीं बट पुलिस वाले को शक हो जाएगा मुझ पे और सारे का सारा प्लान खराब हो जाएगा। तो अभी यार किसी भी तरह मेरे को पुलिस वालों से बचते हुए यहाँ से निकलना है और किसी भी हालत में यार पुलिस वालों को ना मेरा चेहरा अगर दिख गया तो पूरा सीन गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को यार कुछ भी करके पुलिस वालों के हाथ में नहीं आना। तो अभी यार मैं कार को बस भगाते जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि यार पुलिस वालों से दूर निकल जाऊं, बट एक सेकंड यार यहाँ पे मेरी कार का बहुत ही गलत वाला एक्सीडेंट हो चुका है और मेरी जो यहाँ पे यार कार है ना वो पलट चुकी है। तो मैं यहाँ से भाग ही रहा था कि तभी ना मेरी गाड़ी पलट जाती है, पुलिस वाले मेरे को चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो मेरे को मजबूरन सरेंडर करना पड़ता है, बट जो बंदा यहाँ पे सरेंडर करता है वो मैं ही कोई और होता है। अब आपको अगर जानना है कि ये सब कैसे हुआ तो फटाफट से ना मैं स्टोरी में बैक टाइम में जाना पड़ेगा। तो चलो यार मैं आपको ना पीछे लेकर चलता हूँ, इससे पहले कि पुलिस वाले मेरे को देख ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पुलिस का सारा शक मेरे पे आए, मैं चाहता हूँ कि यार पुलिस वालों का सारा शक जाए डुगन बॉस पे। तो अभी मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से निकलता हूँ, पर तभी मेरे को यहाँ पे ये बंदा देखने को मिलता है। तो मैंने यार इस बंदे को यहाँ पे धमकाता और बोलता कि अगर ये अपनी फैमिली वाले को जिंदा देखना चाहता है तो यहाँ पे जो बाहर फॉर्च्यूनर खड़ी है ना उसको लेके भाग जाए। और अभी यार मैं ना बैक साइड से एकदम एंट्री लेके यहाँ से निकल लेता हूँ, तो बैक साइड से मैंने यहाँ पे पैराशूट खोल लिया है और अभी मैंने यहाँ से निकलने वाला हूँ और होपफुली यार पुलिस वालों को ना पता ना चले कि मैं कहाँ पे हूँ। तो ये जो सामने घर है मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर यहीं पे वेट करूँ और जब तक वो बंदा है ना वो यहाँ से फॉर्च्यूनर को लेके निकलेगा तो पुलिस वाले उसी को चेस करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे चुपचाप से लैंड कर चुका हूँ और अब यार मेरा प्लान है कि थोड़ी देर रात होने तक ना मैं इसी वाले मेंशन में छुपा रहा हूँ और तब तक वो जो बंदा है वो अपना काम कर देगा। तो मैं तो यार यहाँ पे छुप चुका हूँ, अब बस वो जो बंदा अपना काम कर दे। तो
गाइस यार अभी ना फाइनली रात हो चुकी है और फाइनली पुलिस ने ना मेरा पीछा छोड़ दिया है, तो अब जाकर मैं कहीं से निकल सकता हूँ। तो आई होप गाइस अब आपको ना स्टोरी पूरी समझ में आ गई होगी कि मैं कैसे पुलिस से बचा। तो अब यार फाइनली प्रेजेंट का जो रास्ता है वो तो खत्म हो चुका है और अब जो लॉस एंजेलिस का नया प्रेजेंट है वो बनेगा मेरा फ्रेंड हथौड़ा त्यागी, जो कि आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बस यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।